पुत्र की कामना से भगवान नारायण की आराधना कर रही है। यह उनकी आराधना चली है मेरु पर्वत के समीप। एक समय की बात, अत्यंत श्रेष्ठ मुनीश्वर का दर्शन उनको हुआ, जिनका नाम मतंग मुनि है। ध्यान रखना, ये मतंग मुनि वे ही मतंग मुनि हैं जो भगवती शबरी के गुरु रहे। शबरी स्वयं अपना जीवन व्यतीत करती है मतंग मुनि के आश्रम में, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात मतंग मुनि दक्षिण भारत के अपने उस आश्रम को त्याग करके तपस्या करने के लिए मुझे उत्तर में जाना चाहिए ऐसा कहकर के उस आश्रम का त्याग कर देते हैं और हिमालय तक चले आते हैं, वहां से भी आगे बढ़ जाते हैं। आराधना करने वाले इस दाम्पत्य को मतंग महामुनि ने देखा, जैसे भी हम लोगों को आराधना आती है जितना हम समझते उतना हम आरंभ कर देना, तो प्रामाणिक आराधना करने वाले को, मार्गदर्शन करने वाले लोगों को भगवान स्वयं अपनी कृपा से भेज देते हैं। मतंग मुनि के पास ये दाम्पत्य गया नहीं, तपस्या करने वाले इन दोनों को मतंग मुनि ने देखा और मतंग मुनि ने उनसे पूछा। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो मतंग मुनि ने पूछा, क्या बात है? तो वानर राज के ने कहा, हम उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। उत्तम पुत्र की प्राप्ति यूं ही नहीं हो जाती, उत्तम पुत्र की प्राप्ति कैसे होती है इसका सारा विधान हमारे शास्त्रों ने दिया है और इसीलिए हमारे यहां जब कोई माता गर्भवती होती है तो उसके नियम अलग हो जाते हैं, उसको काम कितना करना है या नहीं करना है, उसका आहार विहार कैसा होना चाहिए, उसे भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, उसे किसी न किसी मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा सुनी जाने वाली कथा, उसके द्वारा किया जाने वाला जप, उसके द्वारा की जाने वाली आराधना, ये सब के सब उसके गर्भ के ऊपर परिणाम करते हैं। गर्भ संस्कार ये भारतीयों का प्रिय विषय है। नड़ियाद के अत्यंत प्रसिद्ध संतराम आश्रम में मैंने गर्भ संस्कार का जो प्रयोग देखा वो अद्भुत है। नड़ियाद की वहां की गर्भवती माताएं दोपहर में 1 से 3 बजे तक वहां पर एकत्रित होकर के और कैसे संस्कार प्राप्त करती है यह देखने जैसा है। मैंने वहां के स्वामी जी से पूछा कि आपने यह प्रयोग क्यों आरंभ किया? उन्होंने झट से मुझे उत्तर दिया, मैंने यह प्रयोग इसलिए आरंभ किया कि मैं इस देश में चाणक्य और शिवाजी महाराज निर्माण करना चाहता हूं और वो इसके बिना संभव नहीं। बालक को संस्कार माता के गर्भ में ही मिल जाने चाहिए। अब ये बात उन्होंने व्यवस्थित रीति से वहां पर वातावरण बना करके की है, लेकिन मूलतः हमारी परंपरा में ये सारी बातें रही। तो मतंग मुनि ने जब इन दोनों ने कहा कि हमें उत्तम पुत्र चाहिए इसलिए हम तप कर रहे हैं, तो मतंग मुनि ने कहा, आपका अभिनंदन, आप अत्यंत योग्य कार्य कर रहे हैं।
स्वामी विवेकानंद का जन्म होने से पहले उनकी माता भुवनेश्वरी देवी ने कैसा तप किया, ये कभी पढ़िएगा। स्वयं भुवनेश्वरी देवी भगवान शिवजी की आराधना करती है, शिवजी से प्रार्थना ये करती है कि मुझे तुम जैसा पुत्र चाहिए। और इतना ही नहीं, उनकी एक बुआ काशीवास करने के लिए काशी में रही थी, उनको लिखे हुए उनके पत्र उपलब्ध है, जिसमें वह कहती है काशी के वीरेश्वर भगवान का अभिषेक तुम नित्य करना, काशी में वीरेश्वर भगवान का अभिषेक किया जाता है उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए। विश्वेश्वर अलग है, वीरेश्वर अलग है, हरेक की आराधना पूजा का फल भिन्न भिन्न है, यह विशेष फल है। तो वीरेश्वर शिव की आराधना वहां पर करना ताकि मुझे उत्तम पुत्र प्राप्त हो जाए। यह तो पिछली सदी का इतिहास है, यह हमारे देश की परंपरा रही। तो मतंग मुनि ने इन दोनों से कहा, उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए आप तपस्या कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अभिनंदनीय बात है, लेकिन यदि आपको अत्यंत प्रतापी भगवान की भक्ति करने वाला पुत्र चाहिए, धर्म की रक्षा करने वाला पुत्र चाहिए, तो मेरी एक बात मानिए, यहां आप तप कर रहे हैं अच्छी बात है, तप की अत्यंत जल्दी सिद्धि होने के लिए दक्षिण भारत का वेंकटाद्री नाम का पर्वत सबसे उत्तम माना गया। वे कहते हैं आप दोनों मिलकर के वृषभाचल पर चले जाइए। सुनहु मोर अब बचन प्रमाणु, वृषभाचल लगी करहु पयानु। राम सराम सराम का ये उपदेश है। वे कहते हैं तुम दक्षिण दिशा में चले जाओ, दोनों भी वृषभाचल वेंकटाद्री के ऊपर तपस्या करो, भगवान वेंकटेश्वर प्रभु का वहां पर अधिष्ठान है, मुक्ति मुक्ति प्रदान करने में अग्रगण्य है। बिटिया वहां पर आकाश गंगा नाम की गंगा है, आकाश गंगा में स्नान करना, उसके जल का पान करना, रोज वेंकटेश भगवान के दर्शन करना और वायु की आराधना करना। पराक्रमी पुत्र चाहिए तो वायु की आराधना आवश्यक है। सारे संसार में सबसे बलवान यदि कुछ है तो वायु, प्राण। इसीलिए तो आजकल प्राणायाम की महत्ता चली है। भगवान ने भगवद गीता में, भगवद गीता के बारे में यही कहा, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च
मल निर्मोचनम पुंसाम, छोड़ देंगे। प्राण बल का प्रतीक है, वायु सर्वाधिक बलवान है, इसलिए तुम्हें वायु की आराधना करनी चाहिए। मेरा विश्वास है आपका तप सिद्ध होगा, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, वायुदेव आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे, लेकिन यह सब यहां पर नहीं होगा, यह वेंकटाद्रि के ऊपर होगा। मेरु पर्वत की तलहटी से मतंग मुनि ने इस दाम्पत्य को, केसरी और अंजना इन दोनों को वेंकटाद्रि के ऊपर भेजा, जिसे हम आजकल तिरुपति बालाजी का स्थान कहते हैं। दोनों वहां पर आकर के पहुंचे और दोनों ने अपने अपने ढंग से तपस्या करना आरंभ किया। महाराज केसरी को तो भगवान शिव जी की अत्यंत भक्ति है, अंजना आराधना करती है वायु की, श्रद्धा उसकी भगवान वेंकटेश में है ही। मतंग मुनि के द्वारा अवस्था निर्देशित किया गया है, ये सारे उपाय एक ही लक्ष्य को लेकर के चले हैं कि एक पुत्र ऐसा हो जाए, सारा संसार जिसका नाम लेता रहे। श्रद्धा विश्वास के साथ इस प्रकार का तप इन दोनों का चला है, किसी प्रकार की कोताही इन्होंने तपस्या करने में नहीं की। भारत की संस्कृति का मूल शब्द है तप, तप तप इति। ब्रह्मा जी का निर्माण जब हुआ, ब्रह्मा जी ने आकाश से एक ही शब्द का श्रवण किया, तप। तप कहते हैं चित्त की एकाग्रता को, किसी भी प्रकार मेरा चित्त व्यग्र नहीं हो जाए, वह एकाग्र। लक्ष्य के ऊपर एकाग्र रहे, तब कहते हैं शक्ति के संचय को। महान कार्य जब होना होता है तो उसके पूर्व शक्ति का संचय करना पड़ता है। रामकथा श्रवण करने वाले सब लोगों को इस बात का पता होता है, होना चाहिए, कि भगवान श्री राम के अवतार के पूर्व नहीं, भगवान श्री राम के लिए अग्नि ने प्रकट होकर के जो पायस का दान दिया, जिस पायस से तीनों ही माताएं गर्भवती हुई, उसके पूर्व एक वर्ष तक महाराज दशरथ जी ने और तीनों रानियों ने संयम का पालन किया, तपस्या की। एक वर्ष का व्रत लिया है दशरथ जी ने, जिसमें वे रोज जप तप करते हैं। माता पिता के द्वारा किया गया पुण्य, माता पिता के द्वारा किया गया सारा तप, यह उनके पुत्र के लिए काम आ जाता है। स्वयं वानरराज केसरी और
भगवती अंजना तपस्या में लीन है। सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा, भारतीय परंपरा में और तो और भगवान भी तप करते हैं। बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण तपस्या करते हुए बैठे, वहां नर नारायण दोनों तपस्या मूर्ति है। भगवान बद्रीनाथ जी का जो मंदिर हम लोग देखते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान नारायण पद्मासन लगा करके ध्यानस्थ बैठे हैं। जीवों को सिखाने के लिए कि तपस्या के बिना जीवन की सफलता नहीं। अरे चाहे हिरण्यकश्यपु है, चाहे तारकासुर है, चाहे रावण है, सबने तप किया है। भगवान श्री राम तप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण तप करते हैं, हमारे शिवजी तो भगवान तपोमूर्ति। सब देवो में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवो I'm gonna make you mine.
रानी भगवान महादेव जी महाराज, अरे जिसने जब जो चाहा भोले भंडारी ने उसको वही वैसे ही प्रदान कर दी। वानर राज केसरी और भगवती अंजना माता तप कर रही, तप से शक्तियों का संचय होता है। शक्ति का उपयोग किधर करना है यह बात बाद में, पहले शक्ति का संचय होना आवश्यक है। दैत्यों ने शक्ति का संचय बुरे कर्मों के लिए किया, सत्कर्म करने की इच्छा रखने वाले को भी चाहिए कि वह भी शक्ति का संचय करके सत्कर्मों के लिए प्रभावी रूप में सबके आगे आवे। उसके बिना शक्ति का संचय होता नहीं। ये किए जाने वाले गंगा स्नान, ये किए जाने वाले पुरस्चरण, ये किए जाने वाले दान, ये किए जाने वाले अनेक व्रत, इन सब का अंततोगत्वा परिणाम क्या है? हमारी पुण्य शक्ति की वृद्धि। और ये पुण्य शक्ति हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। इसलिए आलसी व्यक्ति को अपना भाग्योदय करना भी नहीं आता है। धन्य है हमारे ऋषियों की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि उन्होंने स्वयं इतना मार्गदर्शन करके रख दिया हम सब लोगों के लिए कि अपने स्वयं के भीतर पुण्य की वृद्धि करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये सारी बातें खुले आम सब लोगों को पता है, करते कितने लोग हैं ये प्रश्न है। सतपो तप्यत, भगवान गीता में तीन प्रकार के कर्मों का त्याग करने की बात सुनने को भी तैयार। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवान कहते करना ही पड़ेगा यदि तुम अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहते हो। तीन कर्म करने ही पड़ेंगे, यज्ञ दान और तप। अरे खूब पढ़ाया, खूब कमा भी लिया, यज्ञ नहीं किया तो जीवन बेकार होगा, दान नहीं किया जीवन बेकार होगा, और तप नहीं किया जीवन बेकार होगा। होगा होगा और होगा, इसलिए यज्ञ करो, इसलिए दान करो, इसलिए तप करो। यज्ञ करते ही रहना, दान करते ही रहना, और तप भी करते ही रहना। कितना करना, इतना करना, उतना करना, अरे करते ही रहना। खाते समय आदमी नहीं पूछता है, दुनिया के व्यवहारों में नहीं पूछता है। क्या पता हमारे द्वारा क्या क्या गलत काम हो गए। उन सारे गलत कामों का परिणाम यदि समाप्त करना हो और उत्तम फल की प्राप्ति करना हो तब अनिवार्य है। इसीलिए तो भगवान भी तप करके हम लोगों के सामने आदर्श रखते हैं। महर्षि अगस्त्य मुनि वर्णन करते हैं, दोनों ने तप किया। एक दिन की बात है, भगवती अंजना मानवीय स्त्री के रूप में एक बार वन में स्वयं पुष्प चयन कर रही है, और इस पुष्प चयन के चलते हुए
एक विचित्र घटना हो गई। अति प्रसन्न मैं सुनहु अब देखि देवी तप तोर पुरवउ इच्छित बर तव होइ तो शतब मोर। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इमि करि पावहु सुत बल धाम सजन जीति जय को संग्राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। परम बचन अब सुनहु मम अति हर्षित हर दर्शन दीना। राम सिय राम सिय राम जय जय राम राम सिय राम सिय राम जय जय राम। चाहे उ हरसन सुत गुण धाम राम भगत सेवक निह कामा। राम सिय राम सिय राम जय जय राम राम सिय राम सिय राम जय जय राम। परम निधान ज्ञान विज्ञान हरि भगवती अंजना वन में अकेली पुष्प चयन कर रही है। इसके पूर्व एक स्वप्न महाराज केसरी को आया। वे शिव के उपासक हैं। भगवान शिव जी ने स्वयं उनको दर्शन देकर के कहा, केसरी क्या चाहते हैं आप? केसरी ने कहा, आपकी कृपा से मैं उत्तम पुत्र चाहता हूं। यह बात स्वप्न की है। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के कहा, केसरी तो उत्तम पुत्र चाहते हो? अरे मैं स्वयं एक अंश से तुम्हारा पुत्र बनकर के आना चाहता हूं। मैं स्वयं एक अंश से तुम्हारा पुत्र बनकर के आना चाहता हूं। सपना पूर्ण हो गया। उसके पश्चात की यह बात केसरी ने यह बात अपनी पत्नी अंजना को बतलाई। पति पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न हैं कि शिवांश की प्राप्ति होगी और उसी आनंदमय मनस्थिति में भगवती अंजना पुष्प चयन कर रही है। एकाएक क्या हुआ, वायु का अत्यंत बड़ा झोंका आया। अंजना का वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया और अंजना को दिखा तो कोई नहीं, लेकिन अंजना ने अनुभव यह किया, कोई मुझे अपनी बाहों में लेकर के प्रगाढ़ आलिंगन दे रहा। वो डर गई। वायुदेव ने कहा, आज तुम्हें मेरी प्रसादी प्राप्त हो गई। साक्षात भगवान शिव का अंश तुम्हें प्राप्त होगा। भगवती अंजना और भगवती और स्वयं महाराज केसरी दोनों इन अत्यंत अच्छे शकुनों के कारण
प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। दोनों के ध्यान में ये बात आ रही है, जिस प्रकार का पुत्र हम चाहते हैं वैसे प्रकार के पुत्र के प्राप्त होने के ही ये सारे वे लक्षण हैं जो लक्षण हमें स्वयं महर्षि मतंग मुनि ने बतलाए। भगवती अंजना गर्भवती है। भगवती अंजना जी के अनेक उत्तमोत्तम शकुन हो रहे हैं, दिखने वाले सारे सपने अत्यंत शुभ दिखते हैं। गर्भ उनका विकसित होता जा रहा है। दोनों पति पत्नी भगवान वेंकटेश प्रभु के प्रति, भगवान शिव के प्रति, भगवान वायुदेव के प्रति अत्यंत कृतज्ञता के साथ अपनी अपनी जिस प्रकार की आराधना उनकी चली थी वैसी चलते चलाते रहते हैं। घटनाओं के क्रम में आगे चैत्र मास का आगमन हुआ। महीना चैत्र का है, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, सभी प्रकार के अत्यंत योग्य लक्षण है। पूर्णिमा मधुमास सुहावा, चित्रा नखत लगन शुभ आवा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पूर्णिमा मधुमास सुहावा, चित्रा नखत लगन शुभ आवा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, पूर्णमासी का वह अत्यंत मंगलमय अरुणोदय हो रहा है और उस शुभ मुहूर्त के ऊपर जैसे ही अनेक प्रकार के सपने देखे थे, अनेक उत्तमोत्तम संकल्प किए थे, उन समस्त संकल्पों को पूर्ण करने के लिए साक्षात एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। हनुमान भगवान की जय। मारुतिराय भगवान की जय। जय राम लला जय जनक ललनी, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम जय जनक ललनी, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक ललनी, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक ललनी, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक ललनी, जय
सच सलील बह सरित धारा परमानंद भुवन भरि पारा राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम गूंज भ्रमर कल कीर्ति गाना सबु ही भांति भर समय सुहाना राम सिया राम सिया राम जय जय राम महर्षि अगस्त्य मुनि वर्णन करते हैं श्री राम जन्म से ही हनुमान का रंग कैसा था सुवर्ण के समान वर्ण है अंग अंग में शक्ति शक्ति का स्फुरण दिखता है वायु के पुत्र है ध्यान रखना हनुमान जी महाराज के लिए तीन बातें कही आती है वे केसरी नंदन है वे शिवांश है और वायुपुत्र है भगवान केसरी के वे औरस पुत्र है क्षेत्रज पुत्र है वायुदेव के वे स्वयं अनुग्रहज पुत्र है और शिवजी के तो वे स्वयं अंश ही है भगवान पवन देव की कृपा से स्वयं शिवजी के अंश स्वरूप केसरी महाराज के घर में अंगना के उदर से इस बालक का जन्म हुआ मारुतिराय भगवान की जय अभी उनका नाम हनुमान नहीं है स्वाभाविक नाम उनका मारुति है मरुत के पुत्र होने के कारण मरुत शब्द का अर्थ है वायु वे मारुति तो है ही
हनुमान नाम उनको कुछ बाद में प्राप्त हुआ है, वो घटना बाद में देखेंगे। लेकिन आकाश मंडल में विराजमान देवताओं ने अत्यंत श्रेष्ठ उत्सव किया, क्योंकि उनको तो एक बात की प्रतीति है कि ये साक्षात भगवान शिव रुद्र अंश स्वरूप है। शिव महापुराण में तो इसका स्वतंत्र वर्णन आया है कि भगवान शिव जी के ये अवतार कैसे हैं। हनुमान जी महाराज शिवावतार है, पवन पुत्र है, केसरी नंदन है, आंजनेय है। इस बालक का तेज, इस बालक का ओज, इस बालक का पौरुष देखते ही बनता था। जन्म से ही ये उछल कूद करने लग गया, जरा भी स्थिर रह नहीं सकता है। महर्षि अगस्त मुनि वर्णन करते हैं इस बालक को देख करके भगवती अंजनी माता और महाराज केसरी अत्यंत प्रसन्न प्रसन्न होते रहते। एक दिन की बात, सामान्यतया लोगों को ऐसे लगता है कि हनुमान जी महाराज जन्म लेते ही सूरज भगवान की ओर कूद चले। घटनाओं का क्रम ठीक से बैठा ना हो तो बात यह ध्यान में लेनी चाहिए कि यह घटना हनुमान जी के जन्म के 15 दिनों के पश्चात है, क्योंकि हनुमान जी का जन्म, हनुमान जी का अवतार पूर्णमासी को हुआ है और सूर्य की ओर लपक करके वे चले हैं। वह दिन अमावस्या का है, यह तो वर्णन नहीं है। भगवान श्री राम के समक्ष महर्षि अगस्त्य मुनि वर्णन करते हैं, श्री राम जो भी हो, हमारी काशी की परंपरा में इसीलिए हनुमान जी का जन्म कार्तिक की अमावस्या चतुर्दशी को मानते हैं। दूसरे दिन दिवाली का दिन आता है, कल्प भेद से दोनों बातें थी। भगवती अंजना माता आहार ग्रहण करने के लिए प्रातः काल ही बाहर गई है। सूर्य का उदय भी हुआ नहीं है और यह छोटा सा नन्ना सा मारुति भूख लगने के कारण मां की प्रतीक्षा कर रहा है।